आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। इसमें हम लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 7 है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग क्या होती है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर मैपिंग। वाई आर वेक्टर मैपिंग, वी मीन सिंपली अ फंक्शन। एक फंक्शन का मतलब फंक्शन होता है जहाँ पे टी जो है एक फंक्शन होता है जो कि आर एन, यानी ये इसका डोमेन होता है। डोमेन से ये इसका कोडोमेन, कोडोमेन में डिफाइन एक फंक्शन होता है आर आर एन टू आर एम, ये एक फंक्शन होता है बेसिकली। तो यहाँ से हम देखें द डोमेन इज समथिंग इज कॉल्ड इनपुट स्पेस। जो डोमेन जो है वो समथिंग जो जिसमें से इनपुट होता है, और कोडोमेन जो होता है वो बेसिकली आउटपुट स्पेस कहलाता है। यूजिंग द टर्मिनोलॉजी द पॉइंट एक्स इन द डोमेन इज कॉल्ड इनपुट एंड द पॉइंट, अगर इसमें सपोज एक्स एक डोमेन है और आउटपुट है उसका टी एक्स, और तो टी एक्स जो है वो उसका आउटपुट कहलाता है। प्रोड्यूस द मैपिंग इज कॉल्ड आउटपुट। अब डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को देखते हैं। द वेक्टर बी बिलोंग्स टू आर एन इज इन द रेंज ऑफ टी। द वेक्टर बी बिलोंग्स टू आर एन इज इन द रेंज ऑफ टी और द इमेज ऑफ टी इफ देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू आर एन सच दैट टी एक्स बराबर बी, यानी कोई वेक्टर बी जो है वो बिलोंग्स टू आर एम कहलाता है अगर, या बिलोंग्स टू आर एम यानी कि जो आर एम का कोई नंबर कहलाता है। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एक्स मिल जाए, यानी कि इसमें कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट मिल जाए, ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिसकी मैपिंग जो है वो बी के इक्वल हो, तो उस कंडीशन हम कहते हैं कि जो बी जो है वो इस टी एक्स का पार्ट है। इन अदर वर्ड बी इज द रेंज ऑफ टी। तो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया है हमारे पास टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिफाइन है। डिफाइन किस तरह से, टी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वन एंड एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें द वेक्टर थ्री एंड माइनस वन इज नॉट इन द रेंज ऑफ टी। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर, इसकी अगर बात करें तो बेसिकली इस पे तो हम चेक करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज, इनकी वजह से कुछ वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। बट अगर हम आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, इस टर्म पे देखें, तो ये टर्म पॉजिटिव है ऑलवेज, ये टर्म पॉजिटिव है ऑलवेज, और ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब कि जो थ्री एंड माइनस वन जो है वो रेंज ऑफ टी में नहीं है, यानी कि कोडोमेन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो पार्ट है कोडोमेन का पार्ट नहीं है। ऑन द अदर एंड अगर हम माइनस वन और टू की बात करें, यानी अगर यहाँ पे हम एक्स टू बराबर जीरो ले लें और यहाँ पे एक्स वन बराबर वन ले लें, तो उस कंडीशन में ये इसका पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम रेंज कोडोमेन की डेफिनेशन को इजीली समझ सकते हैं। अब लीनियर मैपिंग की डेफिनेशन पे आते हैं। द वेक्टर मैपिंग टी जो आर एन से आर एम इज सेड टू बी लीनियर इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर होल्ड। कौन कौन सी कंडीशन है? इफ यू एंड वी बिलोंग्स टू आर एन देन टी एंड ट्रांस, यहाँ से मैपिंग जो होगी टी यू प्लस बी बराबर जो होगी टी यू प्लस टी बी, और फॉर एनी यू बिलोंग्स टू आर एन एंड एनी सी एस्कुलर सी इट होल्ड दैट टी सी यू बराबर सी टी यू। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं तो उस कंडीशन में जो मैपिंग होगी वो लीनियर मैपिंग होगी। अगर हम इस मैपिंग को एक टर्म में, अगर इन दोनों कंडीशंस को एक टर्म में कंबाइन करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हैं कि अगर यू एंड वी जो है वो बिलोंग्स टू आर एन है और सी जो है कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट ले लें, सी वन एंड सी टू कॉन्स्टेंट ले लें हम, तब उस कंडीशन में टी सी वन यू वन प्लस सी टू यू टू इक्वल टू सी वन टी यू वन प्लस सी टू टी यू टू। अगर इस कंडीशन को अगर होल्ड कर रहा है कोई भी फंक्शन हमारे पास, कोई भी मैपिंग अगर इस कंडीशन को होल्ड करती है, तो उस कंडीशन में वो मैपिंग लीनियर मैपिंग होगी। बट ऐसे जैसे अगर इस एग्जांपल को देखें हम, टी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर सी और एक्स वन स्क्वायर माइनस वन, तो बेसिकली अगर सेकंड टर्म पे ही चले जाते हैं हम,
सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से भी चेक कर सकते हैं, बस सेकंड टर्म मुझे इजी लग रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्स टू की जगह अगर हम यहाँ पे सपोज एक्स टू को रिप्लेस कर दें सी वन एक्स टू से, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कहीं पर भी हम टी से सी ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम सी को कॉमन नहीं ले सकते, तो इस कंडीशन में ये जो मैपिंग है ये लीनियर मैपिंग नहीं रहेगी। इसमें भी फ्रेंड्स इन्होंने इसी एग्जांपल की हेल्प से जैसे टी वन जीरो को हमने पहले देखा था मैप कर रहा था माइनस वन एंड टू पे, अब यहाँ पे इन्होंने थ्री का मल्टीप्लाई किया है, तो टी थ्री एंड जीरो बेसिकली किसे इक्वल मैप करना चाहिए, टी थ्री जीरो बेसिकली थ्री टी वन जीरो जो कि माइनस थ्री एंड बेसिकली माइनस वन एंड टू पे तो ये मैप कर रहा है, तो ये माइनस थ्री एंड सिक्स पे मैप करना चाहिए, बट जब थ्री एंड टी थ्री एंड जीरो की वैल्यू पे हमने मैप कराया तो ये एक्स वन ये जो है थ्री स्क्वायर साइन जीरो माइनस कोस थ्री स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये हो गया हमारे पास, तो माइनस कोस एट अपॉन टेन जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये मैपिंग जो है वो लीनियर मैपिंग नहीं है। अब फ्रेंड्स ये एग्जांपल देखते हैं, अब इसको चेक करते हैं कि ये लीनियर है या नहीं, तो टी एक्स वन एक्स टू जो है ये हमारे पास टू एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू और इस तरह से लीनियर मैपिंग है, तो सपोज हमने दो एलिमेंट ले लिए यू जिसमें यू वन एंड यू टू है, वी जिसमें वी वन एंड वी टू है, तो टी यू प्लस वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बेसिकली टी और वेक्टर स्पेस यू वन यू टू वी वन वी टू, तो ये हो जाएगा टी ये यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास यू वन प्लस वी वन अपॉन यू टू प्लस वी टू, तो ये हो गया। अब ये वैल्यू तो एक्स की जगह पुट होगी ऊपर वाली वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो एक्स टू की जगह पुट होगी, तो ये वैल्यू पुट की हमने पुट करके हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये सिंपली वैल्यू पुट करने पे ये आ जाएगा, इनको ओपन करने पे ये आ जाएगा, तो ओपन करने पे जो मैट्रिक एडिशन की हेल्प से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टू यू वन माइनस यू टू और यहाँ पे टू वी वन माइनस वी टी, तो इस तरह से इसको इधर हमने कट कर लिया, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी यू वन प्लस यू टू और इसको कट कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास इसको इनको, फिर हम इसको मैट्रिक एडिशन की फॉर्म में अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो है बेसिकली टी यू वन है, क्योंकि अगर टी यू वन की बात करते तो हम यू वन एंड यू टू आता जो कि हमारे पास यहाँ पे सिंपली फंक्शन में एक्स वन की जगह जो जो होता टू यू वन माइनस यू टू यू वन प्लस यू टू एंड माइनस यू वन माइनस थ्री यू टू, तो ये आ गया हमारे पास बेसिकली, ये भी चीज सेम है और ये वी के इक्वल है, तो टी यू एंड प्लस टी वी, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो होल्ड है इसके लिए। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम, सेकंड कंडीशन है हमारे पास बेसिकली कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई, कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई तो सी का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास सी यू वन एंड सी यू टू हो गया, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं टू सी यू वन माइनस टू सी यू टू, सिंपली जो फंक्शन है उसी में हमने पुट करनी है वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास सी कॉमन आ गया, अब सी को हम पूरी तरह से कॉमन ले सकते हैं, अब जब सी को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो बेसिकली ये क्या है, ये टी यू है जो कि सी टी यू के इक्वल हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फंक्शन जो था जो मैपिंग वो थी वो लीनियर मैपिंग थी, तो यहाँ से टी जो है वो लीनियर मैप्स हो गया। फ्रेंड्स ये भी एक एग्जांपल है, लेट अल्फा ग्रेटर देन जीरो इज डिफाइंड बाय मैपिंग टी आर एन टू आर एन बाय द फॉर्मूला टी एक्स बराबर अल्फा एक्स, यहाँ पे अल्फा जो है जीरो से लेस देन वन है, देन टी इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्शन एंड इफ अल्फा ग्रेटर देन वन देन टी इज कॉल्ड डायलेशन इन अदर केस टू शो दैट टी इज लीनियर, अब इस केस में जो है हमारे पास ये कुछ कंडीशंस और टी जो है हमेशा लीनियर मैप होता है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, मैं इसको प्रूव करके नहीं दिखा रहा, तो यहाँ से दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, यहाँ पे ये भी और ये भी, तो यहाँ से टी जो है वो लीनियर मैप है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैट्रिक्स मैपिंग।